प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रोहतक से है। आपको बता दें कि रोहतक के मानसरोवर पार्क में 2+5 मुद्दे जन आंदोलन की एक बैठक हुई और बता दें कि संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सतबीर हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस दौरान हरियाणा के निजी और एडेड स्कूलों की शिक्षा को लेकर चर्चा की गई है। बता दें कि 134A के तहत गरीब बच्चों के जो दाखिले शुरू नहीं हुए हैं उसी को लेकर यहां चर्चा की गई है और वही शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर से बातचीत करने की मांग भी यहां पर रखी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि रोहतक के मानसरोवर पार्क में 2+5 मुद्दे जन आंदोलन की एक बैठक हुई और इस बैठक में हरियाणा के निजी और एडेड स्कूलों की शिक्षा को लेकर चर्चा की गई है। बता दें कि संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सतबीर हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस दौरान 134A नियम के तहत गरीब बच्चों के जो दाखिले अभी तक शुरू नहीं हुए हैं उसे दोबारा से शुरू करवाने की बात कही गई है और अध्यक्ष का कहना है कि शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हुड्डा अध्यक्ष 2+5 मुद्दे जन आंदोलन जी बताइए। नियम 134A हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट के तहत हरियाणा के हर प्राइवेट अनएडेड स्कूल में 10% से लेकर 25% बच्चे फ्री में पढ़ने का अधिकारी हैं जिनके माँ बाप की आमदनी 2 लाख या 2 लाख से साल की कम है, जात चाहे कोई हो। इसको पिछले लगभग 8-10 साल से लागू किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में लगभग 5 लाख बच्चे इसके तहत शिक्षा फ्री प्राप्त कर रहे हैं। गरीब के बच्चे पिछले साल फार्म भरे लेकिन कोरोना की वजह से टेस्ट नहीं हुआ। इस साल अब तक फार्म बढ़ाने के लिए शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया। हमें डायरेक्टर से मिले हैं और उनको शेड्यूल जारी करने के लिए प्रार्थना की है। सरकार 2 साल से इस मामले में ढीली चल रही है और उल्टा प्राइवेट स्कूल वाले झूठा प्रचार कर रहे हैं। अगर वो संस्कृति स्कूल में दाखिले हो गए तो अब प्राइवेट स्कूलों में अनएडेड स्कूलों में ये नहीं दाखिले होंगे। इस प्रकार के झूठे प्रचार हैं। मेरे पास जो संस्कृति स्कूलों का जो गजट जारी हुआ है, सर्कुलेशन जारी हुआ है, वो है। उसमें साफ लिखा है कि वो सिर्फ उन स्कूलों के लिए लागू है। इसमें एससी के भी बीसी के भी जात पात पर भी दाखिले हैं। हमारे यहाँ जात पात का कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा अनएडेड स्कूल का है वो सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में तो हमें 134 सिर्फ 30% जगह मिली है, वरना अगर वो 100% फ्री पढ़ देते हमारे बच्चे 70% का नुकसान होगा गरीब घराने के बच्चों को। सिर्फ 30% बच्चे ही उसमें फ्री पढ़ पाएंगे, वरना 100% फ्री पढ़ते वो हमारा उल्टा नुकसान हुआ है। अब हम ये सोच रहे हैं अगर सरकार ने लेट किया तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और आंदोलन शुरू करेंगे। अब बहुत जल्दी ही हम शिक्षा मंत्री से मिलने वाले हैं, पहले उनसे बात रखेंगे, समाधान हो गया तो ठीक है, वरना इतना बड़ा आंदोलन 5 लाख घराने हरियाणा के गरीब घराने शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परसों ही कहा है अगर ये हम कहे भी कर रुक नहीं सकते कि शिक्षा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है और हर लेवल पर शिक्षा का प्रबंध करना सरकार की ओब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से ये जो काम है, कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं जो बिगड़ शिक्षा के विकसित हो गया हो, कोई ऐसा घर नहीं जो बिगड़ शिक्षा की उन्नति कर जाए। इस मुद्दे को लेकर गरीब घराने के बच्चे, भेड़ बकरी चलाने वाले के बच्चे, भैंस चलाने वाले के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त अच्छी कर सकें और बराबर की शिक्षा प्राप्त करके देश को बनाने में मदद करें, यही हमारा मुद्दा है।